और बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सिद्धार्थनगर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। विसर्जन जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। मस्जिद के पास से पत्थर फेंकने का आरोप लगा है। एक और ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। पथराव में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे दो बच्चों को मामूली चोट भी आई है। ये देखिए तस्वीरें। यहाँ पर आरोप लगा है कि मस्जिद से पत्थरबाजी की गई है। मस्जिद के पास से पथराव के बाद हंगामा मचा है। इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल करने की पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश भगाने की साजिश से बताया जा रहा है, माहौल खराब करने की साजिश से बताया जा रहा है यूपी के सिद्धार्थनगर की ये घटना। तो ये देखिए तस्वीरों में, विसर्जन जुलूस के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर यह पथराव का आरोप लगा। हालांकि पुलिस बल वहां पर पहुंच चुकी है, पहले से वहां पर डिप्लॉयमेंट थी पुलिस बल की, लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ा तो और ज्यादा वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के पास से पत्थर फेंकने का आरोप है। जो विसर्जन यहां से जुलूस निकल रहा था उनका कहना है कि मस्जिद के पास से जब ये विसर्जन जुलूस निकल रहा था उसी समय अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई जिससे वहां पर माहौल खराब हो गया। तो यूपी के बहराइच में जिस तरह का मामला सामने आया था और उसी तरह का अब सिद्धार्थनगर का ये मामला सामने आया है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई है और आरोप लगा है कि मस्जिद के पास से पत्थरबाजी की गई है। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए दो बच्चों को चोटें भी आई हैं। यहाँ पर प्रशासन की तैनाती बहुत ज़्यादा की हुई थी और ऐसे में कोई अप्रिय घटना होने से टल गई, लेकिन लोगों की नाराजगी खुल करके सामने आई है। Zee News.